दुनिया में सबसे अच्छी किताब, दी बेस्ट बुक, दुनिया की कौन सी है? जिंदगी की सबसे बड़ी किताब हम खुद हैं। अगर हम खुद को समझ ले तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जब बुढ़ापा आता है तो दो चीज बहुत कॉमन होती है, एक तो मांसपेशियां लटक जाएगी और दूसरा अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स प्रोलैप्स होने लग जाते हैं। देखना, जैसे ही बुढ़ापा आएगा आंखें ड्रूप होने लग जाएगी, ऊपर की पोपड़ी आपकी नीचे गिरने लगती है, लटकने लग जाती है, चेहरे के गाल आह कितने चब्बी थे, सबके सब नीचे ड्रूप होने लग जाते हैं। आगे जाके देखना, ये पूरे मजन यहाँ से लटकने लग जाएंगे। देखते हो ना, कई बार ऐसे ऐसे लटकने लग जाते हैं। गर्दन देखना, यहाँ से झुरिया झुरिया और इतने लटकेगी ऐसे गाल, पूरे यहाँ से पूरी गर्दन की चमड़ी लटकने लग जाती है, आप आराम से पकड़ सकते हो। बच्चों को देखना, बूढ़े लोगों के पास ही जाते हो ज्यादातर, उनको बड़ा आनंद आता है छूने को। यहाँ पे ब्रेस्ट काफी सैगी हो जाती है, बेली एरिया देखना एकदम लूज लूज हो जाएगा, थाई का एरिया देखना एकदम सैगी होके हिलने लग जाएगा, और इंटरनल ऑर्गन्स अगर देखा जाए तो फिर पूछना ही मत, यूट्रस प्रोलैप्स होने लग जाता है, वेजाइना वीक हो जाता है, बार 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 आपको यूरिनेशन के लिए भागना पड़ता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, टेस्टिकल एकदम वीक हो जाते हैं, सबका सब प्रोलैप्स होने लग जाता है, कोलन आपका एकदम प्रोलैप्स हो जाता है, हर्निया प्रोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब लूज होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड एनस कई बार आपको बैग लगानी पड़ती है। ये सबको ये बुढ़ापा आए ही क्यों, हमेशा जवान क्यों ना रहे? So, अगर हमेशा के लिए यंग बनकर रहना है, कोई भी चीज प्रोलैप्स नहीं चाहिए अगर हमको, ना आंखों की पोपड़ी, ना गर्दन की चमड़ी, ना हमारे कान भी देख ले ना लटक जाते हैं, नीचे नीचे झुक जाएंगे एकदम, रबर कैसा होता है लूज लूज वैसे हो जाता है, इलास्टिक देखा है ना, एक टाइम के बाद छूट जाता है, कैसा ढीला ढीला पड़ जाता है, सेम वे में आपकी ब्रेस्ट भी सैगी हो जाती है, बेली सैगी हो जाती है, थाई राम मदर ये सब सैगी 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 हो जाते हैं। ये सबको स्ट्रांग और यंग कैसे बनाना है? CV6, कंसेप्शन वेजल 6, दो लाइंस के बीच में, सेंटर फिंगर रिंग फिंगर के बीच में जाओ, स्ट्रेट चले जाओ, दो लाइंस है, दो लकीरें, हर किसी के जीवन में ये दो लकीर जरूर होती है, ये दो लकीरें जरूर होती है। प्रेस करके देखो उस पॉइंट पे, CV6 पे, जिन जिन के चमड़े लटक गए हैं वो सभी को दर्द होगा, जिन जिन के चमड़े हमको नहीं पता इंटरनल ऑर्गन हमारा लटक गया है या नहीं, प्रोलैप्स हुआ है या नहीं, एक्सटर्नल हमको दिख जाएगा बट इंटरनल यू कांट सी। द वन हु फील्स कि बहुत इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हाथ में बाइलैटरल मिलेगा ये CV6 कंसेप्शन वेजल 6, इसको जब भी हम प्रेस करते हैं इमीडिएट फॉर 30 to 60 seconds प्रेस करके रखेंगे इसको। जिन जिनको यंग बनकर रहना है हमेशा, कभी भी हमको ओल्ड नहीं बनना है, जिन जिनको हो रहा है प्रिकिंग फील हो रहा है, समझ जाना या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल ऑर्गन, ये दोनों में से कोई ना कोई चीज आपकी प्रोलैप्स हो रही है, तो इसलिए इस पॉइंट को जब हम प्रेशर देते हैं, व्हेन यू गिव प्रेशर, व्हेन यू आर गिविंग रिफ्लेक्स लॉजी विच इज कॉल्ड एज हैंड रिफ्लेक्स लॉजी, इस रिफ्लेक्स लॉजी पॉइंट पे आप जब प्रेशर देते हैं तो इमीडिएट ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों प्रोलैप्स हो जाता है सब कुछ, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो फ्लो अच्छे से होना था ये फ्लो होना रुक रहा है एक पीरियड के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 55-60 सडनली जो ब्लड का फ्लो जो बहुत जोशीला खून था ये सब का सब स्लोली स्लोली स्लो डाउन हो रहा है, तो इसलिए इस खून को एकदम सर्कुलेशन में रखना है। 70% ऑफ वाटर वी आर हैविंग एंड 30% ऑफ ब्लड वी आर हैविंग, पानी पीते रहना है, कई लोग पानी नहीं पीते हैं उसकी वजह से पूरा प्रोलैप्स होना शुरू हो जाता है, तो मेक श्योर कि हमेशा पानी अच्छे से पीते रहे, एज पर योर ब्लड ग्रुप यू हैव टू ड्रिंक वाटर, जो इससे पहले ही बताया था कि जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या नेगेटिव हैज टू ड्रिंक ओनली 1.5 लीटर ऑफ वाटर, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या नेगेटिव हैज टू ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर, द पेशेंट हु हैज ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या नेगेटिव हैज टू ड्रिंक 2.5 लीटर ऑफ वाटर, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव है दे हैव टू ड्रिंक 2.75 लीटर ऑफ वाटर। सो द मोस्ट इजीएस्ट पॉइंट CV6, तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ हेल्दी, योर स्किन हेल्दी, योर इंटरनल
organs healthy, your muscular system healthy. जब मास छूट गया तो समझ जाना, कभी भी लगा कि ये लूज हुआ, समझ जाना कि मेरा बुढ़ापा सामने है। कई बार 25-26 की एज में भी दिक्कत आते हैं, लटकने लग जाते हैं, तो मेक श्योर कि इसको हमेशा टोन रख रखो। CV6 को हम जब प्रेस करते हैं तो हमारे अंदर के सारे organs काफी स्ट्रांग एंड हेल्दी हो जाते हैं, बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड बेस्ड ऑन रेकी थेरेपी। रेकी में सक्रल रीजन कहाँ पे बताया था आपको, नाभि से दो उंगली नीचे, वो है आपका सक्रल रीजन। देख लो, चेक कर लो, सेंटर पार्ट नाभि में सेंटर है, देख लो आपकी दो उंगली नीचे ले लो, यहाँ से थंब, नाभि से दो उंगली ऊपर चले जाओ, नाभि से दो उंगली नीचे चले जाओ, हार्ट शेप दिख गया। बस ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर जहाँ पे छू रही है, दैट इज योर CV6। इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज मसाज करना है, जिससे सारे हार्मोन्स पावरफुल और एकदम क्रिएटिव हो जाते हैं। क्रिएटिविटी में यंग एज किस में आती है, जब आप एकदम से यंग होते हो तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी जागती है, बूढ़े होने के बाद हाँ मेरे से नहीं होता कुछ भी बोलते हो ना, हमेशा यंग बने रहना है। कभी भी याद रखना है, जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो हम ये इल्ज़ाम लगा देते हैं अपने आप पे कि नाउ आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता, ये शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलवेज कीप योर बॉडी यंग, ऑलवेज कीप योर इंटरनल ऑर्गन्स यंग। रेकी के चैप्टर्स में मैं सीखा था कि जो रूट चक्रा है दैट गिव्स यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट योर सक्रल चक्रा, ये आपकी जिंदगी में जब प्लेजर की कमी है, समझ जाना आप जब नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, हर चीज इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो खुद के ऊपर, समझ जाना सक्रल चक्रा में गड़बड़ हो गई है। आपके अंदर जब क्रिएटिविटी मर जाती है, समझ जाना मेरे अंदर सक्रल रीजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। इसलिए क्लीन करना सिखाया था आप लोगों को कि क्लीन करते जाना है सक्रल रीजन को, थ्रो 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 कट कट कट, और उसके बाद उसको चार्ज करना है। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, कि आप जितना क्रिएटिव रहोगे उतने यंग रहोगे। लेकिन हम जितना हमारा सक्रल रीजन वीक होता जाएगा, बुढ़ापा उतनी जल्दी आएगा। कई बार होता है 40 की एज में बूढ़े दिखने लग जाते हैं। बॉन्डिंग थेरेपी CV6 पे। बेस्ट मुद्रा लिटिल फिंगर वरुण मुद्रा। बॉडी में 70% वाटर है, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी, तो हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो गई सबके सब ढीले पड़ जाएंगे। वरुण विद अपान मुद्रा, जब हम अपान मुद्रा करते हैं सारे के सारे शरीर में प्राण जाग जाते हैं, काफ़ी बीमारियां मिनिमम 2500 बीमारी सिर्फ अपान मुद्रा से खत्म हो जाती है। और वरुण मुद्रा, अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहा हमारे बॉडी में, पानी का सर्कुलेशन अच्छा रहा हमारे शरीर में, तो कोई चीज प्रोलैप्स ही नहीं होगी। बाकी जब भी लगा तो बेस्ट मुद्रा तो आपको पता ही है, प्राण मुद्रा। फिर जब भी लगा शरीर के किसी भी मसल में, कई बार होती है आई वीक हो जाती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे भी प्राणों की कमी हो गई तो प्राण मुद्रा। लेकिन जब प्रोलैप्स हो रहा है कोई भी चीज, तो इमीडिएट वरुण अपान मुद्रा। तीनों उंगली सीधी होनी चाहिए, ये अगर आपकी ये बेंड हो रही है, समझ जाना गड़बड़ हो रही है कुछ। इसलिए कीप दिस 3 फिंगर स्ट्रेट, ये तीन उंगली एकदम सीधी, ये अगर साइड चले जा रही है, ये साइड चले जा रही है, समझ जाना गड़बड़ हो रही है शरीर में कहीं ना कहीं। इसलिए ये तीनों उंगली एकदम सीधी और ये दोनों उंगली एकदम सीधी, इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर शुड बी स्ट्रेट।